उनको माइक दीजिए एंड आपका गाइडेंस, क्योंकि हम तो यहाँ सामने माइक इसके कैमरे के सामने आ जाओ, क्योंकि हम तो इनको रोज बोलते रहेंगे, बोलते हैं, लेकिन पेरेंट्स और टीचर बोलता रहता है इधर से आया इधर से बाहर। लेकिन जो आप ही के एज ग्रुप का सेलेक्ट होके आ जाता है ना, उससे एक अलग ही प्रेरणा मिलती है इनसे, कि आपको लगता है कि ये स्टूडेंट कर लिया तो मैं भी तो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो एक इंस्पिरेशन आता है। तो आज के दिन की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आप रहोगे। आप जो भी 5-10 मिनट में बताओगे इन बच्चों के लिए, वो बहुत ही इंकरेजमेंट मिलेगा। तो आप पूरा अपना स्ट्रगल की स्टोरी एक बार से बताओ इंट्रोडक्शन के साथ, जिससे कि इनको इंस्पिरेशन मिले। मेरा नाम रीना मीना है। मैंने 2018 में कोचिंग ली थी VIPM से ग्रेजुएशन के साथ साथ है, और 2018 में मैंने सिलेक्शन भी लिया था, मेरा फाइनल ईयर था, बट ग्रेजुएशन का एक पेपर बैक रहने की वजह से मुझे नहीं मिली ज्वाइनिंग, होस्टिंग नहीं मिली मतलब। और उसके बाद गुन्नीस में थोड़ा डिस्टर्ब हो गई उसकी वजह से, तो गुन्नीस में भी मैं नहीं सेलेक्ट हो पाई, और मेरा स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। मैंने वापस कोचिंग ज्वाइन करी, सर का वापस यहाँ पे बेंच लिया, और एक बार सर ने क्लास में मुझे बोला था कि एक बार मैंने छोटी सी गलती करी थी, एक सेंटेंस बनाने के लिए दिया था सर ने सबको, और वो मैंने चेक करा, मैं फ्रंट रो में थी, मैं बताने के लिए आई तो सर ने बोला मैं रोहित शर्मा समझ रहा था, तूने इतनी बड़ी गलती करी है। मुझे वो उस दिन मुझे लगा कि मैं इंग्लिश में कर सकती हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी, मुझे उस दिन लगा कि हाँ मतलब मैं भी इंग्लिश में थोड़ी कर सकती हूँ कुछ। और उसके बाद मैं कोचिंग नहीं आई, सेकेंड टाइम ले रही थी, तो मैंने पहले से पढ़ी हुई थी, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस की बात थी। और उसके बाद मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई और मैंने अच्छे से करा। जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी मुझे वही बात याद आती थी सर की, रोहित शर्मा, एक वर्ड इसको इनकरेज कर दिया। टीचर ने बोला मैं तो तुम्हें रोहित शर्मा समझ रहा था, तू इतनी बड़ी गलती कर दिया। इसका मतलब इसने सोचा कि टीचर मेरे को बहुत हाई रैंक कर रहा है, तो हमें टीचर की उम्मीदों में का, तो इसको कॉन्फिडेंस आ गया। और 20 में मुझे GST इंस्पेक्टर मिल रही थी, लेकिन मैंने नहीं ली, मुझे साउथ नहीं जाना था, पर इंग्लिश में मेरा अच्छा स्कोर हो गया उसके बाद। पहले मेरा स्कोर 60 या 70 के आसपास होता था, वो मेरा 140 तक पहुंच गया था, आराम से इजीली पहुंच गया वो। देखो सारे बच्चे ऐसे ही बैकग्राउंड के हैं, कोई अमेरिका से तो पढ़ के आएगा, सब राजस्थान के बच्चे हैं, राजस्थानी पेरेंट्स हैं, या कोई हरियाणा का होगा, कोई यूपी का होगा, ऐसे ही हो। लेकिन बात है कि बच्चे के अंदर हौसला होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। बहुत सिंसियर स्टूडेंट थी, इसको रोहित शर्मा बोलता था, यानी कि सेंटेंस अच्छा करता होगा तभी रोहित शर्मा बोला। तो कहने का मतलब है कि अच्छा इंग्लिश आपकी आ रही है इसलिए अच्छे नहीं, मतलब आप सीख बहुत अच्छा रहे हो इसलिए रोहित शर्मा हो। हाँ प्लीज कंटिन्यू। उसके बाद तो 20 में भी सिलेक्शन हुआ और 21 में उससे भी अच्छी रैंक बन गई। वाओ। तो अभी क्या मिला है आपको? अभी तो TN CBDT दिल्ली। वाओ CBDT ना? हाँ बहुत अच्छा, CBDT मिला है इनको और बहुत अच्छी जॉब, टॉप जॉब है, बहुत ही अच्छा, और सिविल इंजॉय हर जॉब। तो इनको आप बोलो कि कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या करें, तो कैसे करेंगे पढ़ाई, तो कैसे होता है? जाहिर सी बात है, पढ़ाई तो सिंपल मामला है। इसका मतलब इसका ये कहना है कि इट्स वेरी सिंपल, जो टीचर पढ़ाए उसको घर जाके रिवाइज करो, एक्सरसाइज करो। कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है वो भी बहुत होता है, पर बच्चे करें तब उसके बाद जो टेस्ट होता है ना संडे का, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। तो टेस्ट संडे को होता है, संडे को टेस्ट होता है, वो टेस्ट तो कहीं आता ही नहीं है देने, फ्री है, टेस्ट दिया करो, टेस्ट दोगे तभी तो आएगा स्कोर, ठीक है ना? ऐसे सुधार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, यू आर प्राइड ऑफ VIPM। थैंक यू, यू आर द प्राइड ऑफ। रोहित शर्मा उस दिन बोला था, आज रोहित शर्मा कप्तान बन गया आपके सामने आ गया।